ये है महिंद्रा का क्लासिक 11 और ये देख सकते हैं इसका हालत क्या है। और डायरेक्ट और इतना हालत ख़राब होने के बाद लेकिन आदमी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, अभी जो लोग है वो हॉस्पिटलाइज है, मरा नहीं है कोई। और ये देखिए स्कॉर्पियो की हालत, गजब। ये पंजाब के अमृतसर में है और इसको ये हाल करने वाला कौन सा कंपनी है इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्ट क्वालिटी कितनी तगड़ी है स्कॉर्पियो की। भाई साहब पूरा हालत ख़राब है इसका। सीधा हाईवे से ग्रैंड ट्रंक रोड पे ये गाड़ी चल रही थी और इसकी हालत देख सकते हो भाई। ओ भाई साहब ये देखो, ड्राइवर की तो हालत थोड़ा ख़त्म ही होगा लेकिन लोगों का ना कुछ नहीं हुआ। ये पैर में लगा हुआ है पहले, ये पैर। ओ भाई साहब ये आकर पैर में राख से मारा हुआ है। और इधर रोड है और इधर आकर ये दो टुकड़ा हो चुका है। इसकी हालत पूरा देख सकते क्या हो चुका है। और इसकी हालत को बुरा करने वाला अभी दिखाते हैं किसने मारी इसकी टक्कर। वो शेर चूहा बिल्ली और कहानी हो रही है वही कछुआ वाला। और इसका स्कॉर्पियो के एमहॉक क्लासिक न्यू मॉडल का ये बिल्ट क्वालिटी है। ये देखो हालत पूरा ख़राब है। और इसको हालत को ध्वस्त करने वाला ये गाड़ी हो गई बेलेनो। भाई साहब बेलेनो की हालत तो अभी भी थोड़ी बहुत सही है लेकिन उसका तो पूरा हालत ख़राब है। ओ भाई ये देखो, ये एयरफोर्स की गाड़ी है, एयरफोर्स लिखा हुआ है, ये भी पंजाब नंबर ही है बेलेनो। और यहाँ पे इसकी हालत देख सकते, इसमें तो पूरा आदमी बचा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन उसकी हालत पूरा ख़राब है। और दोनों ग्रैंड ट्रैक रोड से नीचे आया हुआ है। ये देखो इसकी हालत गजब, इसकी पूरी बची हुई है, कुछ नहीं दिक्कत है, पूरा भीड़ लगा हुआ है। ये सामने ग्रैंड ट्रैक रोड है, सबसे डेंजरस भाई स्कॉर्पियो का है। स्कॉर्पियो तो पता ही नहीं चल रहा है स्कॉर्पियो का क्या हालत हो चुका है, बीच से दो टुकड़ा हो चुका है यार। ये देखो